जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो लेक्चर सीरीज़ शुरू करने से पहले मैं चंद एक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, आपको अगर हमारे लेक्चर सर्च आउट करने हैं तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा चैप्टर के बजाय सीज़न। फॉर एग्जांपल, अगर आप चैप्टर वन स्टडी कर रहे हो, आपको उसको सर्च करना है हमारे साइट से, हमारे चैनल से, तो आप क्या लिखिए, आप लिखिए सीज़न वन। नंबर सेकेंड, लेक्चर वन लेक्चर टू वगैरह नहीं होगा, आप लोग लिखेंगे एपिसोड वन एपिसोड टू एपिसोड थ्री, इस तरह से। दिस इज़ द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज फॉर द क्लास नाइन्थ। अपडेटेड वर्जन है जो कि तमाम बोर्ड्स को कंसल्ट करके बनाया गया है, स्पेशली पंजाब सिंध, क्योंकि सिंध डेफिनेटली पंजाब बोर्ड से काफ़ी अच्छी बुक्स हैं उसकी, ठीक है, एंड बलोचिस्तान ऑल्सो। सो आप सबकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी इन लेक्चर्स में कवर अप हो जाएंगी। तो मैं बता दूँ कि कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जो कि आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेमेंट। लेकिन अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, 0302-7762-964। तो क्लासेस आपको मिल जाएंगी लाइव, ठीक है, फुल बुक के आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। नंबर सेकंड, लाइव सेशंस में आएंगे तो प्रिविलेजेस कौन कौन से हम आपको देंगे। नंबर वन, आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर सेकंड, आपके पेपर प्रेजेंटेशन चेकअप होगी, आपके वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, उसके कोई ड्यूज नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है आपने, ठीक है, फ्री रजिस्टर्ड कर लेना है खुद को और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, खुद को, क्योंकि जितनी भी हमारी अपडेट्स होंगे वो आती रहेंगी। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस डेफिनेटली काफ़ी लेंथी रहने वाला है। सो डेफिनेटली हमारे पास जो लाइव स्टूडेंट है, जिसके लिए हम स्पेशली तौर पर रिकॉर्ड करें, क्योंकि लाइव स्टूडेंट तो आप लोग हैं जो इसके लिए रिकॉर्ड करें, डेट इज रियासत अली, आई थिंक सो, फ्रॉम से राइट सर, ये नाम था शायद, हाँ ये था। तो मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, बेटा जो मेरे पास अभी लाइव मुझे जूम के ऊपर देख रहे हैं, बाकी लोग जिनका मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बाकी लोग हैं, ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर आपको इल्म हासिल करना है तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा कि इल्म से जहालत नहीं जाती, समझ आ गई बात। अगर इल्म से जहालत जाती होती तो शहरे मक्का का सबसे पढ़ा लिखा इंसान कभी अबू जहल ना बनता, समझ आ गई बात। उमर बिन हशाम मक्का का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, उसको क्या टाइटल दिया, उसको टाइटल दिया गया अबू जहल, जहलों का बाप, यानी कि तालीम से जहालत नहीं जाती। तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि आपको एथिक्स, एटिकेट्स, ये तमाम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी अपने वर्क के अंदर लेकर आनी है, क्लियर होगी बात, तमाम चीज़ें। अब सारे थम्स अप साइन भेजिए, फिर मैं स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है। बेटा फी जो होगी वो बहुत ही नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये लेक्चर्स वगैरह जो हैं ये आपने शेयर करते जाना है आगे से आगे, क्लियर होगी बात, ओके। अब हम चलते हैं बेटा जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपना वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे और उसके लिंक वगैरह भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी राइट नाउ कोई वेबसाइट नहीं है। अभी सिंपली तौर पर क्या है कि लेक्चर्स आपको यूट्यूब से मिलेंगे, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह तो जरूर पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर का जो नेम है, दैट्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट देयर देयर इज अ सीजन नंबर वन, मेरे पास आज जो है ये सीजन नंबर वन है। और अगर मैं एपिसोड की बात करता हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास एपिसोड भी कौन सा है, एपिसोड भी वन ही है जो यहाँ पे हो रहा है। अब सीजन वन एपिसोड वन बेटा, तो इसमें है क्या, इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। सबसे पहले मैं ना बेस से बात शुरू करूंगा। बेस से बात शुरू होती है कि जहां से इल्म की बुनियाद शुरू होती है। अब देखिए, अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो डेफिनेटली तौर हम कहेंगे कि सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से इल्म सिखाया गया, सहीफे भेजे गए अल्लाह पाक की तरफ से डेफिनेटली। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं मेडिकल साइंसेज में आते हैं, तो याद रखिएगा कि हम लोग जो हैं वो उस चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब अपने जो रिलीजियस चीज़ें होंगी उसको थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे और थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, ठीक है। तो बात शुरू होती है जनाब सोक्रेटिस से। तो याद रखिएगा कि जो पहला बंदा है जहां से ग्रीक फिलॉसफी शुरू होती है, उसका नाम क्या है, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो है, सुकरात का नाम सुने होंगे,
इसका आगे एक स्टूडेंट होता है उसको आप नाम देते हैं प्लेटो का, और इसका आगे एक स्टूडेंट होता है जिसको आप नाम देते हैं अरिस्टोटल का, अफलातून का। मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा। सोक्रेटिस की बात करें तो सोक्रात का स्टूडेंट है प्लेटो, जिसको कहते हैं अफलातून। आपने नाम जरूर सुना होगा टीचर्स के मुंह से कि अफलातून बच्चा ये, और अफलातून का जो आगे स्टूडेंट है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के बारे में मैंने क्यों बात की, क्योंकि अगर हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और अरिस्टोटल की बात ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है, वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के फादर है, ठीक है। तो सुकरात जो है ये पहला बंदा है, ये कहता था कि मैं किताब नहीं लिखूंगा। क्यों, लोगों ने पूछा क्यों नहीं लिखोगे, कहता है यार किताब लिखने से ना बंदा दिमाग वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वैसे सच भी है, आजकल हम लोग जब लिखते रहते हैं तो हम अपने माइंड से काम लेना छोड़ देते हैं तो वीक हो जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। नंबर सेकंड, अगर प्लेटो की बात कर लेते हैं तो प्लेटो जो है ये सुकरात का स्टूडेंट है। तो सुकरात जो है ना ये लोगों को बादशाह के खिलाफ ना इनलाइटनमेंट देता है, मतलब लोगों को कहता है कि देखो तुम्हें बादशाह की हर बात मानने की जरूरत नहीं है, जो बात ठीक है वो मान लो, जो नहीं सही वो ना मानो, छोड़ दो, दफा करो बादशाह को, ठीक है। तो लोग जो है वो प्लेटो की बात दिल को लगती है तो वो उसकी बात को सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्लेटो की बात ही इतनी जबरदस्त होती है। तो बादशाह को जो पता चलता है कि लोग जो है वो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, उन्होंने बादशाह पता करता है कि यार क्या वजह है, तो पता चलता है कि एक बंदा है जो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम प्लेटो है, बादशाह बादशाह सलामत, उसका नाम प्लेटो है। तो बादशाह कहता है प्लेटो को उठा लो, प्लेटो को उठा के ले जाते हैं। हाँ भी प्लेटो बता, कोई इंसान का काम कर, वरना कौन है, सुकरात है, सॉरी। तो जो बंदा है जो लोगों को भड़का रहा है वो कौन है, बादशाह ने पूछा। तो बादशाह ने पूछा तो बताया गया कि सर वो सुकरात बंदा है जो लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। तो बादशाह ने कहा ठीक है सुकरात को लेके आओ। जब सुकरात को लाया गया, सुकरात को कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तो सुकरात ने कहा कि मैं ठीक ही तो कर रहा हूँ। बादशाह ने उसको वार्निंग दी कि देख अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो तेरे को फांसी की सजा दे देंगे, आई छोड़ रहे हैं। तो उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया सुकरात को, सुकरात आ गया वापस। वापस आके इसने क्या किया, दोबारा से वही काम करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू किया तुम्हें बादशाह की सिर्फ जायज बात माननी है, तुम्हारे भी हकूक हैं, बादशाह की हर बात नहीं माननी। जब उसने ये बात करना शुरू की ना सुकरात ने, तो बादशाह ने उसको उठवा ली और फिर उसको सजाए मौत सुना दी। अब उसके जब सजाए मौत होती थी ना तो उसके जहर का प्याला पीना होता था। तो शायद आपने में से किसी बच्चे ने सुना भी हो कि सुकरात जो है उसने जहर का प्याला पिया था, किसी ने सुना है क्या, बताइए। एनीवन? यस लिशबा, गुड। अच्छा, तो वो जो सुकरात ने जहर का प्याला पिया है ना, वो इसी वजह से पिया था, उसको सजाए मौत सुनाई दी गई थी। रात को ये जेल में बंद है, अगले दिन इसको जहर का प्याला पीना है। इसका स्टूडेंट रात को, प्लेटो जो है जो इसका स्टूडेंट है वो रात को इसके पास आता है, कहता है उस पास सब बताइए, अगर आप चाहें तो मैं आपको भगा देता हूँ जेल से, आपके पास इतना इलम है कहीं पर भी चले जाइए, गुजारा कर लेंगे, जिंदगी गुजार लेंगे। सुकरात कहता है कि देखो बेटा अगर मैं आज भाग गया तो वो लोग जो मेरे ऊपर यकीन कर रहे हैं उनको लगेगा कि बादशाह ठीक है और मैं गलत हूँ, इसलिए मैं भाग गया, वो कभी भी अपना हक नहीं मांग पाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं कहने जाऊंगा। अगले दिन वो खुशी खुशी जहर का प्याला पी लेता है और ये तो मर जाता है, खत्म हो जाता है। पीछे बचा प्लेटो एंड अरिस्टोटल। प्लेटो जो है जनाब और अरिस्टोटल, इसके बारे में सुनिए। प्लेटो जो है ये जनाब बड़ा इंप्रेस होता है अपने टीचर से। ये एक दिन जो है वो प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में छोटी सी फेमस कहानी है, वो ये है कि जो अरिस्टोटल है ये भी अपने टीचर से बड़ा इंप्रेस होता है प्लेटो से, ठीक है। तो एक दिन पूछता है उस्ताद साहब बताइए आपके पास इतना इलम कहाँ से है। उस्ताद साहब ने कहा कि सुबह को आ जाए नहर पे आ जाए। तो सुबह को नहर पे आ गया अरिस्टोटल। तो उस्ताद साहब जो है वो नहा रहे हैं नहर के अंदर, तो उसने कहा कपड़े उतारो ना जा। तो उसने अपना कुर्ता उतारा, छलांग लगाई, चला गया। जब वो चला गया पानी के अंदर गया तो उस्ताद साहब ने उसको पीछे से पकड़ के पानी में डुबो दिया, लेते रहे पानी के अंदर डुबो दिया उसको। अब वो कोशिश कर रहा है अरिस्टोटल, भात पाँव मार रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है, नहीं आ पा रहा। तो बड़ी कोशिश की उसने, जब वो बेहोश हो गया ना, फिर उस्ताद साहब ने उसको बाहर निकाला और उसको होश दिलाया। उसको होश दिलाया फिर वो होशा बड़ा कंफ्यूज था यार, बच्चे की जान लोगे। वो सोच रहा था कि यार देखो मैंने क्वेश्चन ही तो पूछा उस्ताद साहब से कि आपके पास इतना इलम कहाँ से आया, अगर आप नहीं बताना तो ना बताओ यार, है ना, तो मतलब डबोने की क्या बात है। तो उसके दिल में ये बातें चल रही थी कि यार एक क्वेश्चन के लिए बच्चे की जान लोगे। तो उतनी देर में उस्ताद साहब ने पूछा ये मुझे ये बता कि जब तू पानी के अंदर था तो तेरी क्या ख्वाहिश थी, कुछ खाना चाह रहा था, पीना चाह रहा था, शादी करना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। उसने कहा मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, मेरे को सांस आ जाए। तो उस्ताद साहब ने कहा कि मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मेरे पास इलम हो, इसलिए मेरे पास है, डेट्स व्हाई।
तो ये आपने याद रखना है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी। और अरिस्टोटल का जो स्टूडेंट है ना, सिकंदर आजम का नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसने आधी दुनिया को फतह किया था, उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ये किसका स्टूडेंट है, ये इस अरिस्टोटल का ही स्टूडेंट है। ये आपने याद रखना है कि हिस्ट्री में ग्रेट सिर्फ तीन लोगों के साथ लगता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। तो उनमें से अलेक्जेंडर भी है, सिकंदर आजम भी है। ओके, अब हम चलते हैं बायो की तरफ। तो ये चीज आपको हिस्ट्री समझ आ गई थोड़ी सी स्टार्टिंग वाली। अब हम चलते हैं जी बायोलॉजी की तरफ। बायो की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के फादर तो आपको समझ आ गए कि बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी जो वर्ड है ये निकला है ग्रीक लैंग्वेज का। ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। दो वर्ड से निकला है, एक है लफ्ज़ बायोस और दूसरा है लोगोस। तो मैंने लिखा इट इज अ वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड इज अ बायोस एंड सेकंड इज अ लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। ठीक है, बायोस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है? थॉट, थिंकिंग्स। ये किस में आता है? ये लोगोस में आता है। तो ये दो लफ्जों से निकला है बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी कहाँ से आई है? बेसिकली बायोलॉजी एक आप कह लो कि एक ब्रांच है साइंस की। हु इज द फादर ऑफ साइंस? फादर ऑफ साइंस है क्या सुकरात आएगा? नहीं, फादर ऑफ साइंस इज द गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो का नाम सुने होंगे, गैलीलियो फादर ऑफ साइंस है। सबसे पहले जो टेलीस्कोप यूज किए थे ना, वो भी उसी ने यूज किए थे, गैलीलियो ने यूज किए थे। ठीक है, तो आज के दौर में सबसे जो मॉडर्न टेलीस्कोप है उसका नाम है जेम्स टेलीस्कोप है, जेम्स हब टेलीस्कोप है उसका नाम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी की अगर डेफिनेशन की जाए तो आपने कहना है इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस में आती है? वो बेटा जी आती है बायोलॉजी के अंदर। अच्छा, कुछ जगह के ऊपर बेटा ये क्लेम किया गया है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो बायो के अलावा बाकी चीजों में भी करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ बाकी ब्रांचेस उठाते हैं उसमें भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। तो बायो में जब आपने लफ्ज़ यूज करना है तो बायोलॉजी के डेफिनेशन में एक लफ्ज़ लाजमी ऐड अप करना है। वो लफ्ज़ ये होता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पंजाब की बुक के अंदर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है लेकिन सिंध बोर्ड में नहीं है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर वर्ड अगर आप यूज कर लेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं साइंटिफिक लफ्ज़ नहीं लिखता तो गलत नहीं हो जाती डेफिनेशन, लेकिन अगर मैं साइंटिफिक लफ्ज़ लिखूंगा तो ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाती है डेफिनेशन बायोलॉजी की। समझ आ गई बात? अब हम देखते हैं कि जो लाइफ है, मुझे देखने तो यार रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन की तरह यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो, हमने कहा कि इसके अंदर हमें कैसे स्टडी करना है लाइफ को। अब क्योंकि इसके अंदर हमें लाइफ को स्टडी करना है तो सबसे पहले देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या उसकी कोई डेफिनेशन है? क्या लाइफ की कोई डेफिनेशन है? तो मेरा आंसर है नो, ना लाइफ की कोई डेफिनेशन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई डेफिनेशन है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिंदा है या ये नॉन लिविंग है, कैसे पता चलेगा? तो कुछ एक प्रॉपर्टीज, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेस के ऊपर हमें पता चलेगा। वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? नंबर वन बेटा आपने याद रखना है, डेट इज अ मेटाबॉलिज्म। नंबर वन इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नंबर सेकंड आपने याद रखना है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। नंबर थर्ड होता है जी रेस्पिरेशन। ये करैक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मैं एक्सप्लेन भी करता हूं ये क्या है, रेस्पिरेशन। नंबर फोर की बात करें तो न्यूट्रिशन। सेम यही चीज जो ओ लेवल की बायोलॉजी है ना, उसके स्टार्ट के ऊपर भी यही चीज मेंशन है, न्यूट्रिशन। नंबर फाइव के ऊपर आपने याद रखना है कि हम इसमें आ जाएंगे ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अडॉपेबिलिटी, अडॉपेबिलिटी एंड लास्ट के ऊपर आ गया मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स लाजमी देखे जाएंगे। इसको देख लो याद कैसे करना है जी, इसको आप याद कर लो इससे,
जैसे मैंने किया था, मैंने यार ये एक बनाया था मिर्स, यहाँ पर मिर्स आना चाहिए था, MERS, मिर्स एंड ग्राम से मैंने इसको याद किया था। यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गई है, न्यूट्रिशन से पहले एस भी था, तो यहाँ पर लिखो सेंसिटिविटी। ये मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ छोटा करके, तो ये यहाँ पर आ गया सेंसिटिविटी, और फिर यहाँ पर आ गई न्यूट्रिशन, ये आ गई प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो आउच, तो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ जनाब यहाँ पर, MERSNGRAM। तो इस तरह से आपने इसको क्या कर लेना है, प्रिपेयर करना है इन प्रॉपर्टीज को, माइंड में रखना है कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होती है और ये प्रॉपर्टीज जो है ये नॉन लिविंग में नहीं होती। अब ये कौन कौन से, नंबर वन मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को जब हम इकट्ठा कहते हैं तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का, जो प्लांट्स में होता है वो भी मेटाबॉलिज्म में आता है। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन, वो भी मेटाबॉलिज्म में आती है। एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, हम डेली बेस के ऊपर सुबह को बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, तो वो किस में आएगा, जब आप ग्राइंड रिलीज करते हैं वो किस में आएगा, वो आएगा एक्सक्रीशन के अंदर। रेस्पिरेशन, जो आप लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, एनर्जी हासिल करते हो, समझ में आ गई बात, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये किस में आता है, रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट वन सेंसिटिविटी की बात करें तो देखो राइट, कोई चुटके बजाते फौरी तौर पर हम ऐसे देखते नहीं इधर उधर, क्या हुआ है, क्या हुआ, हवा चली, पंखा तेज चली, हवा लगी, महसूस हुई, तो इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। उसके बाद न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं फूड को, तो सेंसिटिविटी कहते हैं फील करना। ठीक है, ग्रोथ कहते हैं मतलब साइज में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन साइज, लेकिन ग्रोथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ह्यूमंस की, इंक्रीज इन साइज। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, नए बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है ना कि ज़्यादा गर्मी के अंदर भी हमारे जिस्म उसके मुताबिक हो जाता है, अगर हम ज़्यादा सर्दी में रहते हैं कश्मीर वाली साइड के ऊपर, तब भी हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो मूवमेंट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जितनी भी लाइफ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब के अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज लाजमी होती है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, पूछिए। नहीं बेटा अलिशा, ग्रोथ मैंने बोला ना कि हमारी जो है वो इरिवर्सिबल, मतलब अगर आप एक बार बड़े हो गए हो ना, अब छोटे नहीं हो सकते, ये कहा है मैंने। ठीक है, ओके, तो होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में फ़र्क कैसे करेंगे, इस बेस के ऊपर हम फर्क कर लेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, फिर जो पंजाब की बुक है उसमें एक छोटा सा MCQ है, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं साथ में। सिंध में नहीं है, सिंध वाले जो हैं वो भी रियासत यार, आप भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। ठीक है, तो वो इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा कि जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज़ कितने मिले हैं, तो आपने याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान को सिर्फ जनाब दो बंदों ने दिया है, एक है डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में MCQ है कि कितने मिले हैं जी, आपने याद रखना है दो, और वहाँ पर लिखा गया 1979 के अंदर किसको मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, और दूसरा मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला है। ठीक है, 14 ईयर्स इसकी एज थी, तो इसको मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला था, ये भी आपने याद रखना। सिर्फ दो बंदों को नोबेल प्राइज़ मिला है पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया, अब हम चलते हैं बेटा जी आगे इसकी डिवीजंस की तरफ। ठीक है, अगर हम डिवीजंस की बात करें, मेरा ख्याल लेक्चर हमारा लेंथी होता जा रहा है। अगर हम डिवीजंस की बात करें तो बायोलॉजी की बेटा जी तीन बुनियादी डिवीजंस हैं। सबसे पहले जो डिवीजन आएगी डेट इज़ अ जूलॉजी। जूलॉजी जो लफ्ज है वो निकला है एक ग्रीक लैंग्वेज से, द वर्ड जूलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। तीन डिवीजंस हैं इसकी, पहले डिवीजन है जूलॉजी, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज, और किससे निकला है, दो लफ्जों से निकला है। नंबर वन ये है बेटा जी जून, और नंबर सेकंड निकला है लोगोस से, लोगोस। ठीक है,
जून का मतलब क्या होता है? जून का मतलब है एनिमल्स। तो मैं बच्चों को याद करने के लिए ये बोलता होता हूँ कि आप लोग ये याद रखो कि जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स। लगोस का मतलब वही दोबारा से आ जाएगा जो आप लोग ऊपर पढ़े हो, थिंकिंग वगैरह। तो जब हम सोचेंगे, स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे? एनिमल्स को स्टडी करेंगे, वो किस में आएगा? वो जूलॉजी में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो स्टडी है वो किस में आएगा? वो जूलॉजी में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स भी आपको करनी है। एग्जाम्पल्स में आप लिख रहे हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टाइगर एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये जूलॉजी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरी है हमारे पास, डैट इज द बॉटनी। अगर हम बॉटनी की बात करें तो जो बॉटनी है बेटा, ये भी आपने याद रखना है, ये कहाँ से निकले? ये भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दो वर्ड से निकले, नंबर वन इज ब्यूटेन, नंबर वन इज ब्यूटेन एंड नंबर सेकंड इज लोगोस, ठीक है। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स। मतलब जब हम प्लांट्स की ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर स्टडी करते हैं ना, कि आपसे पूछे ना कि प्लांट्स लिविंग क्यों है, उसको ये बता देना कि इसके प्लांट्स के अंदर ये सब कुछ होता है इसलिए लिविंग है, ठीक है। तो ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। और लगोस का मतलब दोबारा से हम क्या ऐड करेंगे? थिंकिंग वगैरह जो है वो ऐड कर देंगे। तो या फिर लगोस का मतलब डिस्कोर्स भी होता है, डिस्कोर्स मतलब डायरेक्शन, रास्ता। तो जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा? वो बॉटनी में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये किस में आ गया? बॉटनी में। एंड नंबर थर्ड की बात करते हैं तो नंबर थर्ड आपने याद रखना है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कीकर प्लांट, फ्लावर, वर्ड्स वेवर, ठीक है। तो ये सारे जो है ये किस में आ गए? एक्सेट्रा, ये मेरे पास आ गए बॉटनी के अंदर। थर्ड वन की बात करता हूँ, थर्ड वन इज अ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी दो लफ्ज आ गए, नंबर वन माइक्रो, नंबर सेकंड बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। अच्छा, माइक्रो का मतलब ये दो मतलब होते हैं, एक तो माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, एक माइक्रो का मतलब लो भी होता है। लेकिन ये चीज आपने याद रखनी है कि जब हम स्टडी करते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी को, तो माइक्रोबायोलॉजी में जो वर्ड माइक्रो है उसका मतलब स्मॉल आएगा, माइक्रो का मतलब लो नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यूज बन सकता है ना, द वर्ड माइक्रो मीन्स इन माइक्रोबायोलॉजी, स्मॉल की लो, तो आपने कहना स्मॉल होगा, लो नहीं होगा, ये आप याद रखना है। और बाकी बायो मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं वो किस में आएगा? वो आ जाएगा आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो किस में आएगा? वो आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। एमसीक्यूज की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ये आ गया वायरसेस, फिर ये मेरे पास आ गया बैक्टीरिया, ये मेरे पास आ गया यीस्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये माइक्रोबायोलॉजी की एग्जाम्पल में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब मैं कुछ एमसीक्यूज पूछता हूँ, मुझे आंसर करिएगा। रेडी सारे? बेटा मैं एंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, एमसीक्यू है मेरे पास बेटा जी, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर क्विज सेशन। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडेड इन नंबर ए इज अ माइक्रो बायोलॉजी, ऑप्शन बी इज अ हमारे पास आ गया वायरोलॉजी, ऑप्शन सी आ गया। अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज बैक्टीरियोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी बोथ। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं दूसरा भी लिख लूँ, फिर मैं आपका आंसर्स देखता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, वायरस कैन बी स्टडीड इन, वायरस कैन बी स्टडीड इन ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, ऑप्शन सी
बोथ, ऑप्शन डी आई एम कंफ्यूज्ड। जल्दी से बताएं। हाँ जी, पहले का गलत है, सब गलत है बेटा। यहाँ पे ए एंड सी बोथ लगा रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ए एंड सी जो है वो गलत है। क्यों? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि स्टेटमेंट में क्या पूछा उसने, कहा विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसने पूछा कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया में बेस्ट कौन सा है। अब देखो बैक्टीरिया की स्टडी अभी हम देख जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बैक्टीरियोलॉजी सही लग रहा है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी ठीक लग रहा है। नंबर सेकंड, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या नाम देंगे, उसको बैक्टीरियोलॉजी का भी नाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो राइट आंसर आपको लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों ने भी क्या चूज किया है, बोथ ए एंड सी चूज कर लिया, जो कि बनता भी है चूज करना, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर अगर स्टेटमेंट में देखो तो उसने पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। जब बेस्ट का पूछा गया तो आप सिर्फ बेस्ट का बताइए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करता हूँ, तो जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके आगे दो ब्रांचेज है। माइक्रोबायोलॉजी के आगे कितनी ब्रांचेज है? दो है। नंबर वन इज बैक्टीरियोलॉजी एंड नंबर सेकंड इज वायरोलॉजी। ठीक है, मतलब अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करता हूँ यहाँ पर राइट आंसर के तौर के ऊपर, इसका मतलब मैं तो बैक्टीरिया के साथ वायरस को भी लेके जा रहा हूँ। फिर देखो ना, समझो इस बात को, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी की तो आगे दो डिग्रीज हैं, बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी चूज करता हूँ तो उसमें तो मैं वायरस भी लेके आ रहा हूँ। लेकिन उसने ये कहा कि जो सिर्फ बेस्ट है बैक्टीरिया के लिए, तो बैक्टीरिया के लिए सिर्फ बेस्ट बैक्टीरियोलॉजी हुआ ना, तो ये वाला राइट आंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं ए और सी चूज करूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी भी आ जाएगा। इस तरह से नीचे वाला देखो, वायरस कैन बी स्टडीड, वायरस को किसमें स्टडी किया जा सकता है, तो आपने याद रखना कि बोथ आएगा क्योंकि लफ्ज यहाँ पे है कैन बी, किया जा सकता है। तो वायरस को वायरोलॉजी में डेफिनेटली स्टडी करेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में भी किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है ना वायरोलॉजी को? क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं लिख देता कि वायरस मस्ट बी स्टडीड इन, तो फिर आप क्या चूज करते? फिर आप कहते हैं कि सर मस्ट बी का मतलब उसी में होना चाहिए, तो ये क्या आएगा? फिर आपने कहना सर वायरोलॉजी आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक, ये आज का लेक्चर हमारी तरफ से। ठीक है, अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यार इसके अलावा मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो हमारे साथ, लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो लाइक लाजमी करना है, क्योंकि जो इनकमिंग लोग होते हैं ना उनको लाइक्स वगैरह इन चीज़ों से वो देखते हैं, कमेंट्स वगैरह से देख रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, एंड वन मोर थिंग इज दैट के अब डेफिनेटली तौर पर क्योंकि आप हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड टुगेदर, दैट इज द ओनली वे स्टेप फॉरवर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।